वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब्रेंट वर्षा। मैं आपको ऐसी रेसिपीज बताने जा रही हूँ जो सिर्फ आप नवरात्र के व्रत में ही नहीं तो नॉर्मल दूसरे भी व्रत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और व्रत के साथ साथ आपका वेट लॉस भी कर सकते हो। आपने मेरा नवरात्रि डाइट टिप्स का वीडियो तो जरूर देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर देखे। मैंने उस वीडियो में राजगीरा उपवास में कैसे यूज करते हैं उसके बारे में कहा है। राजगीरा आप उपवास में ही नहीं तो रोजाना नॉर्मल डाइट में भी इस्तेमाल कर सकते हो। राजगीरा में काफी सारा फाइबर है, प्रोटीन में रिच है और उसमें काफी सारे न्यूट्रिएंट्स है जो हमें नीडेड होते हैं। राजगीरा कंप्लीटली ग्लूटेन फ्री फूड है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफी लो है जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है और इसमें कोलेस्ट्रॉल भी लेस है। राजगीरा में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है जिससे पेट की जलन या आपको अगर पेट की कोई भी समस्या हो तो वो भी दूर हो सकती है। तो इसे रोजाना आप ऐड कीजिए आपके डाइट में, लेकिन इसका लड्डू या चिकी नहीं खाना। आप इससे बहुत सारी वैरायटीज फूड में बना सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ राजगीरा पॉरिज कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम राजगीरा लिया है। 100 ग्राम राजगीरा में अप्रोक्सीमेटली 100 टू 105 कैलोरीज रहते हैं। इतनी कम कैलोरीज सिर्फ 100 ग्राम राजगीरा में है। अब हम ये राजगीरा को पॉपअप करेंगे। जैसे आप कॉर्न को यानी मक्का को पॉपअप करते हो वैसे ही हम राजगीरा को पॉपअप करेंगे। कैसे करते हैं, जो भी आप यूज करोगे कढ़ाई पैन जो भी है आप गैस पे रखिए, गैस हाई फ्लेम पे रखिए, एकदम से ये बर्तन गर्म होना चाहिए। इसके बाद आप 1 टीस्पून राजगीरा डालिए और इस हिसाब से आप इसको पॉपअप करते रहिए। ये उड़ेगा इसीलिए इमीडिएटली इसके ऊपर ढक्कन रखिए और इसे हिलाते रहिए। देखिए कैसे पॉपअप हो रहा है। आप राजगीरा को पॉपअप कर लीजिए। देखिए हमारा पॉपअप राजगीरा तैयार है। अब हम बनाने जा रहे हैं राजगीरा पॉरिज। राजगीरा पॉरिज बनाते वक्त मैंने यहाँ पे लिया है 50 ग्राम्स भुना हुआ राजगीरा या आप इसे कह सकते हो पॉपअप राजगीरा। मैंने यहाँ पे लिया है लगभग हाफ ग्लास मिल्क। दिस इज 250 ml ग्लास है ये, सो ये 125 ml मिल्क है। यहाँ पे मैंने लिया है कटा हुआ एप्पल जो कि हाफ कटा हुआ एप्पल है और यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 बादाम। अब हम क्या करें, राजगीरा जो है हमारा पॉपअप किया हुआ राजगीरा इसमें हम डालेंगे मिल्क। आप मिल्क गर्म लेना है या ठंडा लेना है ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे हॉट मिल्क लिया है। ये बहुत राजगीरा बहुत सॉफ्ट हो जाता है, जैसे मिल्क के कांटेक्ट में आ जाएगा ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए चाहे तो आप राजगीरा की क्वांटिटी और बढ़ा सकते हो। फिर आप इसमें डालिए हाफ कटा हुआ एप्पल। फिर आप इसमें डालिए 4 बादाम। यहाँ पे मैंने बादाम को कट किया है। वैसे एप्पल मीठा होता है इसीलिए इसमें एडिशनल शुगर डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप पसंद करते हो तो आप इसमें डालिए हनी गुड़ या आप एक खजूर का इस्तेमाल कीजिए। मैंने इसमें डाला है लगभग 1 टीस्पून हनी। मैंने इसमें एप्पल का इस्तेमाल किया है। आप एप्पल की जगह आप बाकी के फ्रूट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जैसे आप पपैया यूज कर सकते हो, स्ट्रॉबेरीज यूज कर सकते हो, बेरीज यूज कर सकते हो या आप हाफ कटा हुआ बनाना भी यूज कर सकते हो। तो लीजिए हमारा राजगीरा पॉरिज रेडी है जो कि सिर्फ 5 to 10 minutes में बन जाता है और ये हेल्दी है, टेस्टी है। आप इसे फास्ट में भी खा सकते हो या आप रोजाना भी इसे खा सकते हो। जैसे मैंने कहा 100 ग्राम राजगीरा में लगभग 100 या ज्यादा से ज्यादा 105 कैलोरीज होते हैं, तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम राजगीरा का इस्तेमाल किया है तो हुए ना 50 कैलोरीज। अब इसमें मैंने डाला है हाफ कटा हुआ एप्पल और मैंने डाले हैं 4 बादाम और 1 टीस्पून
हनी सब मिला के ये डिश की कैलोरीज होती है हमारी 100 to 120 कैलोरीज, डिपेंड ऑन द आप मिल्क कितना यूज करते हो उसके ऊपर। तो इतनी कम कैलोरी की रेसिपी ये है और इसे बनाना बहुत आसान है, आप रोजाना इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको ओट्स पसंद नहीं है तो राजगीरा इस्तेमाल करके देखिए, ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है ओट्स की जगह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, सोशल मीडिया पे आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी सजेशंस या फीडबैक देने हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।